अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, माय उपचार में आपका स्वागत है। आज हम आपको पेराजेसिक टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। यह एक एलोपैथिक दवा है जिसका निर्माण ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स कंपनी करती है और इस दवा में पैरासीटामोल नामक सॉल्ट पाया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं यह दवा किन बीमारियों में काम आती है। दोस्तों, इस दवा का उपयोग दर्द और बुखार के उपचार के लिए किया जाता है। तो आइए दोस्तों यह जानते हैं यह दवा कैसे काम करती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है इस दवा में मौजूद पैरासीटामोल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइन पर काम करता है। यह हमारे शरीर में तापमान को बढ़ाने में जिम्मेदार प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को रोकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरीके का नेचुरल केमिकल है जो कि एक हार्मोन की तरह कार्य करता है। इस दवा के उपयोग से हमारे ब्रेन को दर्द के संकेत मिलना बंद हो जाते हैं। अब इस दवा की डोज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नॉर्मली एडल्ट्स को इस दवा के 100 से 1000 mg तक दी जा सकती है और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की डोज उसके वजन पर निर्भर करती है। मान लीजिए आपका बच्चा 10 किलो का है तो आप उसे 100 से 150 mg तक हर 4 से 6 घंटे में दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका बच्चा 20 किलो का है तो आप उसे 200 से 300 mg हर 4 से 6 घंटे में दे सकते हैं। और अगर किसी ने इस दवा का ओवरडोज ले लिया है तो आप तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। चलिए अब इस दवा से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर दवा के कुछ फ़ायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। इस दवा के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि कब्ज़, भूख ना लगना, सूजन, जलन, खुजली और अगर रेयर मामलों में इसका ओवरडोज लिया जाए तो यह किडनी और लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए अब इस दवा के संबंध में कुछ जानकारियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वैसे इस दवा के उपयोग के दौरान कोई भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने शराब पी रखी है तो इस दवा का सेवन ना करें और अगर आपको किडनी या लिवर की कोई भी बीमारी है तो इस दवा के सेवन को करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। यदि यह दवा आपके मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं है तो इसकी जगह आप क्रोसिन, कैलबोल, पैरासिप, सुमोएल और डोलो ले सकते हैं। तो यह थी पैराजेसिक टैबलेट के बारे में जानकारी। इस टैबलेट के बारे में विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और माय उपचार चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।